एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप? से मुझसे शेयर करिएगा, आई रियली होप आप सब अच्छे रहोगे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ये ममा अर्थ का प्लांट बेस्ड डायपर। ये फ्रेंड्स जो नॉर्मल डायपर्स होते हैं ना उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी ज़्यादा सेफ हैं आपकी बेबीज़ की स्किन के लिए, क्योंकि बेबीज़ की जो स्किन होती है वो कितनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड डेलिकेट होती है और कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसका बेबीज़ को कोई भी किसी भी तरीके का अनकम्फर्टेबल फील हो या फिर उसकी स्किन में रैशेज की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि डायपर एक ऐसी चीज़ है कि हर छोटा बेबी पहनता है और काफ़ी टाइम तक के लिए पहनता है। तो कोई भी माँ ये रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि उसका डायपर, उसके बेबी का डायपर लीकेज की प्रॉब्लम हो जाए या उसके बेबी के स्किन में रैशेस वगैरह हो जाए। तो ये जो मामा अर्थ का डायपर है ये आपकी बेबीज के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आई एम श्योर ये हर माँ के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है, तो आप इसको देखिएगा पूरी तरीके से और मैं बताऊंगी साथ ही साथ कि ये किस तरीके से आपकी बेबीज के लिए नॉर्मल डायपर से सेफ है। तो ये वाला जो डायपर है इसमें 30 डायपर्स रहते हैं। साइज आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसे ये साइज एल है तो आपका जो साइज लगता है बेबी को आप उसके अकॉर्डिंग परचेज कर सकते हैं। डबल एब्जॉर्बेशन है और इसमें कोई भी लेटेक्स, लोशन, फ्रेग्रेंस, क्लोरीन, ब्लीचिंग कुछ भी नहीं है जो हार्मफुल केमिकल्स होते, एकदम 0% है, जो कि आपकी बेबीज की स्किन के लिए एकदम सेफ है। कॉटनी सॉफ्ट लेयर है, मैं आपको इसको टच करके भी दिखा रही हूँ कि इस डायपर को मतलब टच करते ही बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये चारों तरफ से, तो अंदर से कुछ भी इचिंग की या रैशेस की जो प्रॉब्लम है वो आपके बेबी को नहीं आने वाली है। बहुत ही सेंसिटिव स्किन होती है बेबी की, मैं बता चुकी हूँ आपको कितनी ज़्यादा सॉफ्ट होती है, तो उसके लिए एकदम ही कम्फर्टेबल रहने वाला है ये वाला डायपर। अप टू 12 आवर इसका लीकेज प्रोटेक्शन है, तो इसकी भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हाँ डायपर लीक करेगा। फ्रेंड्स इसमें है गुडनेस ऑफ एलोवेरा, एलोवेरा की लेयर लगा, आपको पता है एलोवेरा स्किन के लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो ये आपकी बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करेगा काफी अच्छे से, कोई भी लीकेज प्रॉब्लम नहीं होगी। कॉटनी सॉफ्ट इनर लेयर है इसमें, सुपर ड्राई लेयर है इसमें, ऑब्वियसली जब डायपर ड्राई रहेगा तो आपका बेबी अपने आप ही बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। वेटनेस इंडिकेटर भी लगा हुआ है फ्रेंड्स, अगर आपको याद नहीं रहा या कुछ हो गया कि डायपर चेंज करना है तो ऑब्वियसली ये आपको इंडिकेट कर देगा अपने आप ही कि आपके बेबी का जो डायपर है उसकी टाइम हो गया है कि उसको चेंज कर दिया जाए। ब्रीदेबल बैकशीट है। सो फ्रेंड इन डायपर्स का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आपको परचेज करना है अपने बेबी के लिए बहुत ही अच्छा डायपर, सेफ डायपर, तो आप इनको बेझिझक ले सकते हैं। और साथ ही साथ मैंने 20% डिस्काउंट की भी डिटेल शेयर कर दी है, आप वो कूपन कोड यूज कर सकते हो तो आपको मिलेगा 20% तक का डिस्काउंट यानी कि ऑफ। तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, सो आज के बर्थडे बॉय है, सो आज है अंबुज का बर्थडे। और मेरे दिवाली वाले व्लॉग्स में कुछ कमेंट ऐसे आए थे जो पूछ रहे थे अंबुज कौन है, तो अंबुज मेरे सबसे बड़े वाले जो मामा जी हैं उनके बेटा है और ये है क्यूट नन्नू। अब ये मत पूछना नन्नू कौन है। सो मेरे मामा जी का बेटा है ये और है मेरा भाई भाई। आज का व्लॉग मैं कार से स्टार्ट कर रही हूँ और आज करने जा रही हूँ छोटा सा सेलिब्रेशन अंबुज के बर्थडे का। और ये देखिए नन्नू कैसे जाग रही है। तो मैं कल की ही ड्रेस में हूँ एज इट इज, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए पहनी थी ना, फिर मैंने उतार के रख दी थी। मैंने ये वाली कुर्ती यार मेरी बहुत फेवरेट है, जो मेरी फेवरेट होती है उसको मैं पहन पहन के नाक में दम कर देती हूँ, मेरी आदत है। किसी की आदत है तो बताना कि जो कपड़ा फेवरेट होता है फिर वो इतना पहनते हैं कि पहन पहन के पक जाओ। तो अभी हम लोग खड़े हुए हैं इस वजह से क्योंकि ये गए हुए हैं किसी काम से थोड़ा सा, और नन्नू ने हाय नहीं बोला आज किसी को हाय नहीं बोला शोना ने आज। अपनी नौ नौ ड्रेस तो दिखा इधर, ये भी कल वाली पहने, मम्मा भी कल वाली पहने, बट अम्मूज न्यू कपड़े पहने अपने। बर्थडे वाले न्यू कपड़े पहनना बनता है ना, हमारे यहाँ एक्चुअली शगुन होता है बर्थडे में कोरे कपड़े पहने जाते हैं। सो ये नन्नू किसका बर्थडे है आज? तुम्हारे तो जलवे हैं, केक ही केक लग रहा है तुम्हें। कुछ दिन बाद फिर किसका बर्थडे आने वाला बताना? मम्मा का। भूल गई, मामा ने बताया तुम्हें, खुद तो याद नहीं रहता तुमको है। सो मेरा बर्थडे भी आने वाला। अरे यार हाँ। हाँ फिर आपका बर्थडे आएगा। इसको अपने बर्थडे की पड़ी रहती है। तो अभी कौन सी डेट है आज? आज है कल भाई दोस्ती ना, हाँ 17 है, तो मेरा
19 दिसंबर को मेरा बर्थडे है। अच्छे वाले मतलब जो टाइम होता है वाला टाइम बहुत अच्छा होता है। पहले दिवाली आती है, मतलब त्योहार ही त्योहार आते हैं, दशहरा, दिवाली, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इनका बर्थडे होता है, मेरा बर्थडे भी होता है, क्रिसमस, न्यू ईयर, बहुत सारे फेस्टिवल रहते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। बर्थडे वगैरह आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों में तो वैसे भी अच्छा लगता है ना। तो चलिए आज करेंगे छोटा सा सेलिब्रेशन व्लॉग, और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे इनका बर्थडे सेलिब्रेट किया दिवाली वाले दिन, तो फिर कहीं बाहर जा नहीं पाए थे, तो आज देखते हैं अम्मा थोड़ा बहुत कहीं। हाँ कौन सी वाली लो दिखा दे नन्नू की फेवरेट आइसक्रीम। अभी सब लोगों को मैं आइसक्रीम खिलाती हूँ, देखना। ए ये आई नन्नू की तरह से, ये नन्नू की तरफ से आइसक्रीम खिलाने का तरीका बेटा तुमने बहुत अच्छा ढूंढा सबको है। ऐसे फेंक फेंक के आइसक्रीम खिलाती हो सबको तुम। सो चलिए फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। थोड़ा सा भी ये व्लॉग अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, एंड दिवाली वाले व्लॉग पे इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स देने के लिए आप लोगों का दिल से थैंक यू। बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, और कुछ एक दो क्वेश्चन भी हैं, वो कोशिश करूंगी अगर मैं इसी व्लॉग में आंसर कर पाई तो कर दूंगी। दो तीन क्वेश्चन है, मैंने मेरी नज़र पड़ गई थी एक्चुअली, फटाफट जल्दी में मैंने नज़र डाल ली थी ना कमेंट्स पे, तो बट रिप्लाई नहीं मैं कर पाई थी, तो कोशिश करूंगी मैं आंसर करने की। सारे दिखा देना बेटा, एक भी मत छोड़ना आप, ठीक है, एक भी मत छोड़ना, एक भी टॉय मत छोड़ना, तुम सारे दिखा देना। त्योहारों के बाद का दिन एकदम तसल्ली भरा ना, उससे पहले इतनी भरभर, इतनी भरभर, अब एकदम माइंड रिलैक्स। क्या हुआ? अच्छा भैया लो, लो, ये रह गया था, इनसे भी मिल लीजिए आप। ये क्या ट्यूटी है? क्या ट्यूटी? ट्यूटी है नहीं। तो क्या है? टाइमिंग। Thank you.
ये ताली बजा, ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी एक तो छोड़ देता हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। ये अपना नाम मत काटियो, पहले वो उधर से काट ले। हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हाँ, अरे अच्छा चुप नहीं हो रहा वो। हाँ हाँ, फिर क्या हो जाती है? हाँ ओके, ऐसे चालू हो जाती है। हाँ 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 क्या कह रहा है? अरे वो नॉन स्टॉप चालू है। अरे वो बता रहा है ये हुई हो जाती है, ये हुई हो जाती है, ऐसे चालू हो जाती है, फिर ये हुई हो जाती है। अरे सब बता रहा है, वो सब बता रहा है, ये दबाते हुई हो जाती है, फिर ये दबाते हुई हो जाती है। अच्छा तुम लेने जाओगे? अरे तो तुम लेने जाओगे गाड़ी? ये बताओ, अरे तुम्हारा नाम क्या है तो बता जाओ। क्या हम भी आ जाएं? अच्छा ठीक, आ जाएंगे। बाय बाय। ये लो देखो जरा इन्हें, तुम यार केक पे टूट गई, घर आते ही थोड़ी देर तो तसल्ली लेती है? मैं भी खाऊंगी, मुझे भी खाना है, मुझे भी। दोनों देखो देखो दोनों, बहुत अच्छा यार, इतना यम्मी है, रुका ही नहीं गया। बर्थडे उसका खावा खा तुम लगी। जो ऑनलाइन ऑर्डर किया था ना, हाँ उसकी शॉप का निकला नहीं, नहीं सुना, हाथ नहीं लगा। लेकिन वो वाला वो था, क्या नाम है, बटर स्कॉच या पाइन एप्पल? अरे हमें लगा यार पाइन एप्पल था, वो बटर स्कॉच था। लेकिन अच्छा ये भी तो है, नहीं बोल रही थी, ये भी तो बहुत अच्छा है। मेरा ब्लॉग एंड कर दिया यार, करवा तो रहे हैं, देखो कितना मैंने इनको हल चलाने का काम दिया। अब ये जो है कैसे, अब बस करोगे? वैसे ही मोटी फटी चली जा रही है। हाँ इतने मोटे भी नहीं, मेरे नजर मत लगाओ, मेरी रसगुल्ला जैसे तुम्हारे मुँह हो गए, तुम करे नजर न लगाओ। रसगुल्ला नहीं है, हम तो चलो मोटे पतले होते रहते हैं। इस वाले ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं मूवी देखेंगे। आजकल मूवी देखने का बहुत चस्का लगा हुआ है हम लोगों को, मतलब लिटरली उस पे देखते हैं हम लोग। किस पे देखते हैं? अमेजोन प्राइम पे ना, अमेजोन प्राइम। हाँ अमेजोन प्राइम पे हम कुछ लगाता है मस्त मस्त, और दिन में एक मूवी निपटाई है अभी। हेलो, इनका बर्थडे है, अंबर दिन में कैसी मूवी दिखाई तुमने? बहुत बहुत अच्छी मूवी देखी आज हम लोगों ने, मूवी ऐसी देखी की समझ ही नहीं आया क्या देखा। गाइस ये मत कर सोचना भाई का बर्थडे का केक खा रही है, इसको केक नहीं पसंद है मुझको। अरे तो कितना कौन खाएगा, तुम ही अकेले जब खा रही हो पूरा पूरा तो कौन खा पाएगा, तुम खाने दो किसी और को। इधर आ तू, हाथ से नहीं, हाथ से नहीं, मैं खिला रही हूँ, हाथ से नहीं बच्चे। चलो कैमरा बंद करो, क्या पूछो, क्या तुमको केक पसंद है, सच बताना। किसको, मुझे? नहीं मुझे नहीं पसंद बिल्कुल। देख लो तो अगले बर्थडे में तुम खोया वाला केक कटवाना, खोया भी नहीं पसंद मुझे। देखा मिठाई तो बहुत खिंच के खा रहा था। एक बहन अपने भाई का हक नहीं मार सकती। हाँ सब इस पेट में सब जा रहा है उसके भाई का केक। चलिए गाइस अब इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पर एंड, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए
बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर नन्नू की तरफ से। गुड नाइट, नन्नू गुड नाइट बोल दे।